क्या आप भी ऐसा निखार चाहते हैं? स्वागतम और सुस्वागतम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके गाइज, सो इन टुडेज वीडियो टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा, वील बी टॉकिंग अबाउट अ स्किन केयर रूटीन। एंड मैं कोई स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ओके मैं सबसे पहले बता देती हूँ, दिस इज द प्रोसेस आई एम फॉलोइंग। द प्रोसेस इज मोस्ट प्रोबेबली द सेम फॉर एवरी वन, ठीक है। सी टी एम प्रोसेस विच इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। वैसे वीडियो शूट करने के बाद आई एम शूटिंग द इंट्रो बेसिकली, ताकि यू नो आपको ऐसा ग्लो दिखे मेरी स्किन पे। एंड मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आई जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ टेंट ऑफ पिंक, दैट्स इट। मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ स्किन केयर जो मैंने फेस पे किया हुआ था वही है, ठीक है। थोड़े से बाल बांध दिए, दैट्स इट। वैसे इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है गाइस, सो आई थॉट टू स्टॉप द इंट्रो ओवर हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। फर्स्ट टर्म कम्स इज क्लेंजिंग, एंड फॉर क्लेंजिंग आई एम यूजिंग दिस। This is Himalaya Neem Purifying Face Wash. This is, I think, for all skin types and it prevents pimples. हालांकि मुझे कभी pimples नहीं थे, touch wood. So what is here? Okay, so let's do this and then I'll meet you in the second step. Okay, so it's done. I just washed my face. Now it's time to jump in the second process. The tea part, which is toning. Actually, इसके बीच में scrubbing भी आता है. If you really want to do scrubbing, you can do. But I use face razors basically. So मेरी skin को काफ़ी हद तक वो exfoliate कर देते हैं. So मुझे नहीं अच्छा लगता कि I exfoliate once and then second time मैं अलग से ही कुछ scrub लेके अपनी skin को और ज़्यादा harm कर रही हूँ, exfoliate कर रही हूँ. So okay, for the toning process, I'm using this. This is by the brand Jeva. मतलब पकड़ना भी नहीं आ रहा कैमरा कॉन्शियस। ओके, तो दिस इज़ अ गुलाब जल रोज वाटर, ठीक है। नॉर्मल गुलाब जल आप ले सकते हो, रोज़ वाटर, या फिर अगर आप कोई और टोनर यूज़ करते हो यू कैन यूज़ इट। बाय द वे मेरी स्किन को ये सूट करता है। बाय द वे दिस इज कम विद दिस स्प्रे, छट 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 वाला प्रोसेस, सो मुझे अच्छा लगा। ओके, दिस इज अ सीरम, द फेशियल सीरम। दिस इज ऑफ विटामिन सी सीरम, 20% विटामिन ई, नहीं 20% विटामिन सी एंड विटामिन ई प्लस हाइलोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जब मैं इसका अलग से रिव्यू करूँगी देन आई विल शो। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स, दैट्स इट। स्मेल्स रियली गुड, रियली गुड। ओके, so this is done the serum part. Okay, the next step is M, which is moisturizing. And for moisturizer I'm using this. वैसे मुझे moisturizer से ज़्यादा प्यार नहीं है, but ये मुझे मेरी skin को सूनी लगती है। बहुत कम मैं moisturizer, I don't feel like you know moisturizing my face. But if I'm doing makeup, तो I don't forget to moisturize my skin, because makeup करने से पहले यू रियली नीड टू गेट योर स्किन रियली गुड, रियली गुड। सो या, वैसे ना मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए नहीं कर रही हूँ बेसिकली, सो आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक जेन्युइनली, मतलब आई एम जस्ट फॉलोइंग माय रूटीन। तो मैं इसे ज़्यादा ज़्यादा मसाज कर लूँ ना तो डोंट गेट बोर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द फेवरेट प्रोडक्ट इन द होल वीडियो, लाइक फेवरेट फेवरेट फेवरेट। सो जब से मैंने सनस्क्रीन डिस्कवर की है ना, मेरे पास सिर्फ यही सनस्क्रीन है, उसके अलावा मैंने किसी सनस्क्रीन को अपने फेस पे नहीं लगाया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 2 ईयर्स, बेसिक 2 ईयर्स से मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्ट इज दिस। ओके, दिस इज़ अ क्यूट छोटू सा बोटल, इसमें बड़ा सा भी आता है ट्यूब, बट दिस इज अ स्मॉल ट्यूब। एंड मेरे पास ऑलरेडी इसके ओवर हुए हुए 4 से 5 ट्यूब पड़े हैं। बाय द वे दिस इज़ अ न्यूट्रीजिना अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन, 50 SPF एंड PA++। थिंक डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, आई डोंट थिंक सो, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट, आई थिंक एवरी वन, बट दिस इज ग्रेट, 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 ग्रेट। सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाना है तो लगाओ, बाहर जाओ, आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी जैसे आपने हाईलाइटर लगाया। इट्स नॉट टॉप मोड, हाँ, बट येस, व्हेन आई यूजुअली डू द मेकअप आई यूज बोथ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन पॉजिटिवली। तो मेरा एक मेकअप वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें भी मैंने इसे यूज़ किया है एंड यू कैन सी द ग्लो। लास्ट थिंग व्हिच आई एम यूजिंग इज दिस, दिस इज अ बाय द नायका सीरियल किसर, दिस इज लिप बाम। क्या करें, एंड आई थिंक जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं दीज ऑल आर बजट फ्रेंडली, ठीक है। लिंक्स वगैरह जो भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड इट। आई नो इट्स ग्लोइंग, आई नो इट्स ग्लोइंग।
Okay, if you like this video, please do consider subscribing and like this video.